हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ता इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप रिलाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डे बुक को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करके कंपनी मेन्यू में एंटर होना होगा। हम यहाँ ऑलरेडी कंपनी मेन्यू में हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलाय में डे बुक क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर मास्टर डे बुक एड एडिट पर एंटर करेंगे। डे बुक नेम, आपको जो डे बुक क्रिएट करनी है उसका नाम आपको यहाँ एंटर कर देना है। हम यहाँ पे ICICI बैंक की डे बुक क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे नाम दे देंगे और दो बार लेफ्ट एरो की प्रेस कर देंगे। एंटर कर देंगे कोड। ये फील्ड सॉफ्टवेयर जनरेटेड है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसे चेंज भी कर सकते हैं। एंटर कर देंगे ग्रुप कोड, यहाँ पे आपको टैब की को प्रेस कर देना है, ग्रुप कोड की लिस्ट आ जाएगी। हम यहाँ बैंक की डे बुक क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एन एंटर करेंगे। अगर आप सेल्स की डे बुक क्रिएट कर रहे हैं तो आपको एस एंटर करना है, परचेजेस की डे बुक के लिए आपको पी एंटर करना है। इस तरह से यहाँ पर ग्रुप कोड की लिस्ट में दिखाया गया है कि जो डे बुक क्रिएट करनी हो उसका ग्रुप कोड क्या देना है। हम यहाँ पे एन एंटर कर रहे हैं, एंटर कर देंगे। नेम, अगर नेम में कुछ चेंज करना हो तो आप यहां से कर सकते हैं। एंटर कर देंगे टाइप, अगर आप चाहते हैं कि बैंक की एंट्री करते वक्त आपको एडजस्टमेंट के लिए पूछे तो आपको यहां पे विद एडजस्टमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज विदाउट एडजस्टमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। विद एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट का ये मतलब है कि अगर आपने किसी डेटर्स पार्टी से पेमेंट रिसीव किया और उसकी एंट्री बैंक रिसिप्ट में कर रहे हैं, तब सॉफ्टवेयर आपसे ये पूछ लेगा कि ये जो पेमेंट रिसीव किया है वो किस इनवॉइस के सामने किया है, और आप जिस इनवॉइस को सिलेक्ट करेंगे उस इनवॉइस के सामने उस पेमेंट को एडजस्ट कर देगा। और अगर विदाउट एडजस्टमेंट लेते हैं तो वो ये ऑप्शन नहीं पूछेगा कि किस इनवॉइस के सामने इसे एडजस्ट करना है। हम यहाँ पे विद एडजस्टमेंट सिलेक्ट करें, एंटर कर देंगे। रिमार्क्स, अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एंटर कर देंगे जीएसटी अप्लाई, अगर आपको इस डे बुक में जीएसटी चाहिए हो तो यहाँ पे वाई एंटर करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे एन एंटर करना है। नेक्स्ट बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। एंटर कर देंगे आईएफएससी कोड, यहाँ बैंक का आईएफएससी कोड डाल सकते हैं। एंटर कर देंगे बैंक ब्रांच, यहाँ बैंक की ब्रांच आपको डाल देनी है। एंटर कर देंगे ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे अगर बैंक का कुछ ओपनिंग बैलेंस हो तो डाल सकते हैं। जैसे ही आप ओपनिंग बैलेंस डालकर एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछ लेगा कि क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, तो आपको यहाँ पर अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो CR पर एंटर मारना है, और अगर डेबिट हो तो यहाँ पे DB पे एंटर मारना है। एंटर कर देंगे, यहाँ पे आपको यस कर देना है। डू यू कन्फर्म, यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स डालने के बाद येस ऑप्शन सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है, आपकी डे बुक क्रिएट हो जाएगी। वॉन्ट टू अपडेट इन अदर कंपनी, अगर आप चाहते हैं कि ये डे बुक की डिटेल्स आपकी बाकी सभी कंपनीज में भी आए तो आपको यहाँ पे येस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है, अदरवाइज आप नो पे एंटर कर दें। हम यहाँ पे येस ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं। चेंज इन ग्रुप और ऑल कंपनी, अगर आप चाहते हैं कि ये डे बुक आपकी सभी कंपनीज में आए तो आपको यहाँ पे ऑल कंपनी यानी कि ए एंटर करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये डे बुक आपकी इस ग्रुप की सभी कंपनीज में आए तो आपको यहाँ पे चेंज इन ग्रुप यानी कि जी एंटर करना है। हम यहाँ पे ए एंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट ई एडिट ओनली ए ऐड, अगर आपको ये डे बुक को आपकी बाकी सभी कंपनीज में भी ऐड करना हो तो आपको यहाँ पे ए एंटर करना है यानी कि ऐड। अगर ये डे बुक आपकी बाकी सभी कंपनीज में ऑलरेडी है लेकिन आपको उसे एडिट करना हो तो यहाँ पे आपको एडिट यानी कि ई एंटर कर देना है। हम यहाँ पे ए एंटर कर रहे हैं। डू यू कन्फर्म, यहाँ पे हम येस ऑप्शन सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे, एस्केप कर देंगे। इस तरह से आप रिलाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डे बुक को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।